अब हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं मेला। दस के दो जो सीमेंट है वो खत्म हो गया। सुबह सुबह मेरे भाई की ड्यूटी लग गई है पत्थर तोड़ने की, क्योंकि हम डालने वाले हैं नल में फर्श। तो जैसे कि पिछले मिनी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम बना रहे हैं सोखता, तो ये रहा सोखता और ये रहा उसका ढक्कन, और इसे बनाने में सहयोग कर रहे हैं मैं, पिताजी और मेरे भाई। अब जैसे कि मंदबुद्धि आ ही चुका है और आज हम जाने वाले हैं मेला, तो इससे करा लेते हैं थोड़ा सा काम। फिर मेरा भाई भी पीने लगता है चाय और मैं छानने लगती हूँ रेत, वो भी इस दाल छानने वाली छन्नी से। नौकरों को लगा रहा है काम में। घर की मालकिन मेम साहब, घर की नौकरानी, घर का राजा बेटा। हेलो गाइस, जब तक ये नौकर काम कर दिए तब तक हम आपको थोड़ा टूर देते हैं हमारे मिस्त्री साहब के घर। मिस्त्री साहब पी रहे हैं चाय, थोड़ा रेस्ट है अभी। क्या क्या बनाना है अभी यहाँ पे? मैं नहीं बताऊंगा। फिर कुछ समय पश्चात भूरी के वन में जाने का समय भी हो जाता है, इसलिए अब मेरा भाई जा रहा है भूरी को वन भेजने। बाय बाय। चल, ये चली नहीं दिए गाइस, भूरी और उसके साथ ही आगे है और ये पीछे पीछे। गाइस आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी कितनी जमीन है, वो वहाँ तक दिख रहा है आपको जंगल तक, यहाँ से सारी हमारी जमीन है पूरा 10-15 एकड़, ये सब हमारा ही है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लोग आए, सब हम भी अपने रास्ते निकलते हैं, ये भी अपने रास्ते निकल ले। तो भूरी समेत सारे पशुओं को वन में भेजने के पश्चात मैं और मेरा भाई आ जाते हैं मम्मी के दहेज के बक्से से पुराने कपड़े और बर्तन निकालने। तभी मेरे भाई को दिखाई पड़ता है एक चूहा, जो पकड़ते ही उसके हाथ में काट देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात, मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर टकला लखा भी अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार होने लगता है। तू है टकला, तू है टकला। तो टकले लखे को विद्यालय भेजकर मैं देखने लगती हूँ कि मेरा भाई और मिस्त्री अंकल तोड़ रहे हैं ईंटें और पत्थर, क्योंकि अब हम अपने नए नल में डालने वाले हैं फर्श। फिर आगमन होता है मेरी माताजी का, जो ले आती है मेरे भाई के विद्यालय का पुराना कोट, ये जांचने के लिए कि ये कोट अभी भी फिट आ रहा है या छोटा हो चुका है। तो कोट की फिटिंग नाप कर मेरा भाई फिर से लग गया है ईंटें तोड़ने। फिर कुछ समय पश्चात मैं बाल्टी में पानी भरी रही होती हूँ कि मुझे पता चलता है कि टकला लखा स्कूल छोड़कर घर आ गया है। तो गाइस ये आ गया है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए। झूठ बोल के तो नहीं आया है तू कहीं? सच में बीमार था है, झूठ बोल के आ रहा है। उल्टी करी है। क्या करी? उल्टी। उल्टी क्यों खाता है फिर उल्टा सीधा? अनार लिंगे करके तू आ गया ना? तो गोली और टकला लखा दोनों स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि इनके स्कूल में बहुत सारे बच्चे अभी बीमार हो गए, उल्टी वगैरह कर रहे हैं, शायद वायरल कुछ हो गया होगा। और यहाँ अगर ये लोग खा रहे हैं अनार, खूब मस्त हैं। तभी आए होगे ना तुम दोनों की अनार खाने को मिलेगा। मम्मी ने लिया अनार तो हमारे पेट में दर्द होने, तो मुझे तो मैंने बेच दिया, आंटी ने। बिल्लू भी खाएगा अनार? अरे अनार नहीं खाता है वो। चलो अपनी गौ माता की बच्चिया को मिठाई खिला के देखते हैं क्या खाती है कि नहीं। तो मैंने अपनी गौ माता की बच्चिया को लड्डू खिलाने की बहुत कोशिश करी, परंतु इसने लड्डू खाया ही नहीं और गौ माता ने तो इसे एक बार में ही चट कर लिया। फिर कुछ समय पश्चात मेरे भाई की ड्यूटी लग जाती है चाचा लोगों के मुर्गी फार्म में पानी लगाने की। क्या हुआ टिल्लू? टिल्लू को नीचे आना है शायद। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जा ना। क्यूट है ना हमारा टिल्लू, बहुत मतलब क्यूटी पाई टिल्लू। तो ये है हमारा प्यारा टिल्लू और ये है हमारा आलसी मोगली। पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है, दिन भर सोते ही रहता है। तो हम जाने वाले हैं मेला, पर घर में काम हो रहा है, पता नहीं हम कब मेला जा पाते हैं, लेट भी हो रहा है। तो चलो तब तक दुकान में बैठ जाएंगे। भाई साहब ये फोन उठा, क्यों आपके हाथ नहीं है? मोए 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 हाथ तो निकाल दे अपने जादू से। तो गैस की गाड़ी आ चुकी है और हमें गैस भरवाना है। तो मंदबुद्धि सिलेंडर कहाँ है भाई? सिलेंडर है, हाँ बाहर होगा। चल तो मंदबुद्धि बाहुबली की शक्तियों को जागृत करके इस गैस सिलेंडर को अपने हाथों से उठा कर ले आता है सड़क के किनारे। और ये सारे पैसे वही हैं जो मुझे भैया दूज में मिले थे और इसका भरवाना पड़ेगा अब गैस सिलेंडर। तो काम करते करते आलस आ गया, तो मंगा लेते हैं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक।
कौन सी वाली सही रहेगी? मम्मी कौन सी वाली मंगाऊं? 2 लीटर तो मैंने मंदबुद्धि भाई को कोल्ड ड्रिंक खरीदने भेजा ही होता है कि तभी मुझे पता चलता है कि टकले लखे ने आमा के कमरे में आग लगा दी है। कैसा होगा रे? ये देख, हाथ भी जला दिया। दिखा हाथ, दिखा। मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी आएगी ना, बहुत मारेगी। दवाई लगाएगा, वो फुफुल्ले हो जाते हैं। हाथ खोल, दिखा कहाँ पिछले। अरे जलन बहुत हो गया यार। चला वो लगाएगा एलोवेरा जल, जल्दी आ। मम्मी, विदु ने आमा के कमरे में आग लगा के सारे कपड़े पोल दिए, धुआं ही धुआं हो गया है। और खुद का थोड़ा पता नहीं ये टकला लखा कब सुधरेगा, हमेशा इतनी बड़ी शैतानी करता ही रहता है। कुछ समय पश्चात मंदबुद्धि भाई कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है और मैं भी गैस कार्ड लेकर चल देती हूँ गैस की गाड़ी का इंतजार करने। तो हम सब मिलकर करने लगे हैं यहाँ गैस की गाड़ी का इंतजार। बहुत समय पश्चात गैस की गाड़ी आखिरकार आ ही जाती है और हम अपना गैस सिलेंडर भरवा लेते हैं। तभी आगमन होता है मेरे बड़े मामा मामी और उनकी बिटिया का। जय कर दे, खुश रहो। अब जैसे कि ये दिल्ली में रहती है तो गांव आकर इसे जानवर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मेरा भाई बनाने लगता है सीमेंट रेता का मसाला फर्श डालने के लिए और इसे ऐसे काम करता देख मामा से रहा नहीं जाता, तो वो भी इसकी मदद करने लगते हैं। अब आए तो थे मेहमान नवाजी में, परंतु बेचारे हमारी मदद करने लगे। अब देखते ही देखते इतना फर्श तो पड़ जाता है, परंतु बीच में ही सीमेंट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जो सीमेंट है वो खत्म हो गया, इसलिए मंदबुद्धि और मैं जा रहे हैं सीमेंट लेने। तो मैं और मंदबुद्धि भाई चल देते हैं दूसरे गांव से सीमेंट खरीदने। दुकान में आकर करीबन 20 किलो सीमेंट खरीदने के पश्चात हम चल देते हैं घर की ओर और घर पहुंचते ही इस सीमेंट को लगा देते हैं ठिकाने। अब जैसे कि फर्श थोड़ा सा ही बचा है तो हम हो जाते हैं तैयार, क्योंकि हमें मेला देखने भी जाना है। तो हेलो गाइस, कैमरा मुंह में सेट हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, पहली बार कर रहा हूं। रेडी हो गया हूं मैं, दिख रहा हूं। अब हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं मेला, क्योंकि फर्श बहुत देर में डला और बज गए हैं 4, तो 4 बजे हम मेला जा रहे हैं, शाम के 4 बजे। चलो तो अपने वाहन में सवार होकर हम चल देते हैं मेला देखने। तभी रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं बुद्धदेव। तो इस मेले की सुंदर सी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चल देते हैं मेले की ओर। अब मेले हंसी खुशी जा तो रहे थे, परंतु पता नहीं था कि आगे जाके हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस सुंदर से डैम को पार करते ही बुद्धदेव की बाइक में हो गया पंचर और हम बड़ी मुश्किल और जैसे तैसे पहुंच गए पंचर बनवाने। तो जो बाइक का टायर है वो हो गया है पंचर, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। अब जैसे कि बाइक पंचर हो गई थी तो हम चल दिए पैदल पैदल ही मेला, क्योंकि यहाँ से मेला कुछ ही दूरी पर है। तो मेले में पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी बहुत ही शाम और इधर तो लाइट जलना भी शुरू हो चुके थे। और ये चरखा जितना ज्यादा सुंदर लग रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, और मुझे तो झूले में बैठने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, साथ ही साथ सर भी चकराने लगता है। कि आपको झूले में बैठना कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो मेले में भ्रमण करते करते मुझे पसंद आ जाते हैं ये मेज पोज। भाई चार का क्या रेट है? ये वाला 220 का है। बाप रे। तो मुझे तो यहाँ ये भूरे रंग का मेज पोज बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और मैं इसे खरीद भी लेती हूँ। फिर हम चलते चलते आ गए पेट पूजा करने, परंतु मेले में तो लाइट ही चली गई। लाइट आ गई। कैसे हो रहे हैं मामू? मिर्ची जादी हो रही है और सब। व्हाट आर यू डूइंग? कितना मिर्च लगा के रोज मिर्च हो रही है, बोल रहे हो? अजीब सा हो रहा है। ठीक है, इधर दिखाओ, इधर रिएक्शन इधर देने। जैसे कि मोमोज तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहे थे, इसलिए हम आ गए पकौड़े खाने। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार पकौड़े आ ही जाते हैं और ये इतने ज्यादा स्वाद थे कि क्या ही बताऊं। अब नमकीन चीज खाने के बाद कुछ तो मीठा बनता ही है, इसलिए हम आ गए गोला खाने। फिर हमने खरीदे कुछ पायदान और आ गए हम मम्मी के लिए चूड़ा खरीदने। ले भाई 10 किलो 20 ले भाई 10 किलो 20 10 किलो 10 किलो। मेरा भाई मुझे ले आया झुमके की दुकान में और कहने लगा कि अपने पसंद के कोई भी 4 झुमके खरीद ले। लेकिन यहाँ आकर मुझे दिखता है ये विचित्र झूला जो पूरा उलट पुलट हो जाता है, कई लोगों का तो दिमाग घुटनों में आ जाता होगा। साथ ही साथ आजकल मेले में ये झूले से रद्दी कागज उड़ाने का अलग ही ट्रेंड चल रहा है। एक हम थे जो रद्दी कागज बेचकर मूंगफली और लच्छे खरीद लिया करते थे। खैर छोड़ो, मेरा भाई तो मुझे दिला रहा है झुमके। अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर ही कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।